साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के मरीजों का इलाज करते करते स्वास्थ्य कर्मी भी लगातार कोरोना का शिकार हो रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम में जहां लगातार कोरोना मामलों की संख्या रोजाना 3000 से ज्यादा सामने आ रही है, तो उसी बीच स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। गुरुग्राम में अभी तक इलाज करते हुए 22 डॉक्टर कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा 24 ANM और 10 नर्स समेत बाकी स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के आला अधिकारियों की तरफ से इस बात पर भी नजर रखी जा रही है कि डॉक्टरों की संख्या में कमी ना हो, इसके लिए डॉक्टरों की संख्या को भी बढ़ाया गया है। कल तक हमारे पास कुल मिला के 94 जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो कोविड से पॉजिटिव हुए थे, जिसमें 22 हमारे डॉक्टर्स शामिल थे और 24 हमारी ANM शामिल थी, 10 हमारी स्टाफ नर्स शामिल थी और बाकी जो बचे हुए हैं वो 38 लोग, जो मैं कहूँ अन्य क्लास 4 कहिए या GDAs या पैरामेडिक्स स्वीपर एट्सेट्रा, वो सभी लोग इस कैटेगरी में शामिल थे। कुल मिलाकर इस वेव में 94 जो है वो कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो है वो पॉजिटिव डिक्लेयर। बिल्कुल ट्रेनिंग की तो अभी ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन उनको एक बार दोबारा से समझाया जा रहा है कि कोविड बिहेवियर के साथ मास्क ज़्यादा ज़रूरी है। हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को कहा है कि आप कोशिश करें कि N95 मास्क पहनकर काम करने की उनको हम प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी इज़ क्वाइट हाई, इस वजह से उनका जो है पॉजिटिव या संक्रमण होना स्वाभाविक है। इसके अलावा हमने एक जो है नई गाइडलाइन आई हैं और हमारे सारे स्वास्थ्य कर्मी हमारा उसमें सहयोग कर रहे हैं, खास करके अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो या तो टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं और अपना पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी जिसको हम मास्क कहते हैं वो पहनकर N95 काम कर रहे हैं, या 7वें दिन तो सभी लोग हमारे 7 दिन के आइसोलेशन के बाद सभी लोग वापस ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। संभवतः जो वायरल प्रेजेंट प्रेवलेंट कर रहा है वो माइल्ड वेरियंट है और न केवल स्वास्थ्य कर्मी बल्कि आम जनता भी जल्दी ठीक होकर अपने काम पर जा रही है। नहीं देखिए, बिल्कुल अभी तक मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर हमारा बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ रहा है, 3000 के आसपास की वर्कफोर्स में सिर्फ 94 के करीब लोग हमारे पॉजिटिव आए हैं और उनमें से भी ज़्यादातर ने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। और एग्जैक्टली आप जानना चाहें तो 73 लोग वापस ड्यूटी पर आ चुके हैं, सिर्फ 21 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त छुट्टी पर हैं या जिसको कहूँ आइसोलेशन में हैं। हालांकि कोरोना महामारी की इस तीसरी लहर में कोरोना से मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो रहे हैं ये निश्चित तौर पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा रहा है। पंजाब के सी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।